एक बार एक आलसी व्यक्ति एक ऋषि के पास जाता है और कहता है, मुनिवर मैं आलस्य से बहुत परेशान हूँ। ये आलस्य नाम की बीमारी मुझ पर दिनों दिन हावी होती जा रही है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया कर मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपने आलस्य को त्याग कर एक कर्मठ और सुखी जीवन जी सकूँ। ऋषि ने कहा, आलस्य उसी व्यक्ति के जीवन में होता है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, जो जीवन को जीना नहीं सिर्फ काटना चाहते हैं। व्यक्ति ने कहा, हाँ मुनिवर मेरे जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, मैं तो बस जिए चला जा रहा हूँ। जीवन की परिस्थितियाँ मुझे जिस तरफ ले जाती हैं मैं उसी तरफ चला जाता हूँ, लेकिन मुनिवर आप मुझे वो तरीका बताएं जिससे मैं अपने आलस्य से छुटकारा पा सकूँ। ऋषि ने कहा, हमारे जीवन में आलस्य तीन मुख्य कारणों की वजह से आता है। पहला कारण है किसी बड़े लक्ष्य का ना होना, दूसरा कारण है अपने शरीर और मन को ना समझना, और तीसरा कारण है आलसी और कामचोर व्यक्तियों की संगत करना। आलसी व्यक्ति ने कहा, मुनिवर जरा इन तीनों बातों को विस्तार से समझाएं। ऋषि ने कहा, जिस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य नहीं है उस व्यक्ति के जीवन से आलस्य कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक स्पष्ट लक्ष्य व्यक्ति को निरंतर उत्साहित और कर्मशील बनाकर रखता है, और जब व्यक्ति के जीवन में आलस्य का आगमन होता है तो यह मजबूत लक्ष्य उसे याद दिलाता है कि यह समय आलस्य करके बर्बाद करने का नहीं बल्कि कर्म करने का है। लेकिन लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे तुमने अति उत्साह या निराशा के क्षणों में बनाया हो, क्योंकि उत्साह और निराशा के पलों में बनाए गए लक्ष्य इन परिस्थितियों के समाप्त होते ही कमजोर और छिड़ पड़ जाते हैं। लक्ष्य का निर्धारण हमेशा ही अनुकूल परिस्थितियों में बहुत ही सोच समझ कर और शांत दिमाग से करना चाहिए। वह लक्ष्य तुम्हारी भावनाओं और दिल से जुड़ा होना चाहिए, साथ ही उस लक्ष्य के बनाने के पीछे का एक बहुत ही मजबूत कारण भी होना चाहिए कि आखिर तुम उस काम को क्यों करना चाहते हो। क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे होगे तो उस लक्ष्य के पीछे का मजबूत कारण ही वो शक्ति होगी जो तुम्हें अपने लक्ष्य की तरफ वापस खींच लाएगी। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोच कर ही तुम्हारे अंदर जोश और आंखों में आंसू आ जाते हैं तो फिर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारे आलस्य को ख़त्म कर देगा। ऋषि ने आगे कहा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में लक्ष्य तो होता है लेकिन वे फिर भी आलस्य करते हैं, तो इनके जीवन में आलस्य का कारण है कि ऐसे लोग ये नहीं समझ पाते कि हमारा मन काम कैसे करता है। हमारा मन बहुत ही चालाक है और ये हमारे साथ हर समय खेल खेलता रहता है। ये कभी भी किसी काम का विरोध नहीं करता, बल्कि या तो उस काम को टालता है या फिर उस काम को करने में आने वाली कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। जैसे कि अगर तुम इससे कहोगे कि पढ़ाई करनी है तो ये कहेगा, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर पढ़ाई करेंगे। अगर तुम इससे कहोगे कि ध्यान करना है तो ये कहेगा कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होता है, कल सुबह से जल्दी उठेंगे और फिर ध्यान करेंगे। और फिर ना तो तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे और ना ही कभी ध्यान कर पाओगे। अगर तुम मन से कहोगे कि धन कमाना है तो ये कहेगा कि क्या इतना ही आसान है धन कमाना, अगर इतना ही आसान होता तो आज सभी लोग अमीर होते। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर तो फिर इस मन की चाल का समाधान क्या है। ऋषि ने कहा, इस मन के साथ भी वही करो जो ये तुम्हारे साथ करता है। जब तुम्हारा मन कहे कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर काम करेंगे तो तुम तुरंत इससे कहो कि थोड़ी देर क्यों, बहुत देर तक आराम करेंगे लेकिन पहले ये काम खत्म कर लेते हैं। जब मन कहे कि आज स्वादिष्ट भोजन कर लेते हैं कल से व्यायाम करेंगे तो तुरंत इससे कहो कि स्वादिष्ट क्यों, बहुत स्वादिष्ट भोजन करेंगे लेकिन व्यायाम आज से ही शुरू करेंगे। कुल मिलाकर तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाना है जैसे ये तुम्हें बनाता है। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मुझे अपने मन को मूर्ख कब तक बनाना पड़ेगा। ऋषि ने कहा, जब तक तुम अपने जीवन से आलस्य को दूर रखना चाहते हो। ऋषि ने आगे कहा, या तो तुम अपने मन को मूर्ख बनाओ नहीं तो ये मन तो तुम्हें मूर्ख बना ही रहा है। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर कभी कभी मैं ये निश्चय करता हूँ कि कल से इस काम को जरूर करूँगा और अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा, लेकिन अगला दिन आते ही मैं फिर से काम को टालना शुरू कर देता हूँ। सुबह सोचता हूँ कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, दोपहर में काम कर लूँगा। दोपहर होती है तो सोचता हूँ
कि शाम को कर लूँगा, और फिर शाम से रात हो जाती है लेकिन मैं अपना काम शुरू भी नहीं कर पाता हूँ, और फिर पछताता रहता हूँ, समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोसता रहता हूँ, और फिर अगले दिन भी मेरे साथ यही होता है, उसके अगले दिन भी मेरे साथ यही होता है, और ये चक्र लगातार चलता आ रहा है। मैं अपने समय को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पा रहा हूँ। ऋषि ने कहा, बात समय को व्यवस्थित करने की नहीं है, बात तो मन को व्यवस्थित करने की है। जब तक तुम्हारा मन व्यवस्थित नहीं होगा, तब तक तुम समय को व्यवस्थित कर भी नहीं सकते। अगर तुम्हें अपने समय को नियंत्रित करना है तो तुम्हारा अपने मन पर नियंत्रण होना बेहद आवश्यक है। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी काम को करने का मन भी होता है, वो काम जरूरी भी होता है, लेकिन तब हमारा शरीर आलस्य करता है। हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि हम उस काम को कर सकें। यदि हम उस काम को शुरू भी कर देते हैं तो बहुत ही जल्द हमारा शरीर थक जाता है। फिर या तो हम उस काम को आगे के लिए टाल देते हैं, या फिर अगर उस काम को करते भी हैं तो वो काम ठीक से नहीं हो पाता। ऋषि ने कहा, तुम अपने मन को तो मूर्ख बना सकते हो, लेकिन अपने शरीर को कैसे मूर्ख बनाओगे? शरीर चलता है ऊर्जा से, और ऊर्जा मिलती है भोजन से। लेकिन अगर तुम ऐसा भोजन करोगे जिसमें खुद कोई ऊर्जा नहीं है, कोई जीवन नहीं है, तो तुम्हारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी? तुम्हारा शरीर पूरे दिन आलस्य से घिरा रहेगा। ऊर्जा रहित भोजन से मेरा आशय ऐसे भोजन से है जो हम सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, जिसे ग्रहण करने से हमारे शरीर का संपूर्ण विकास नहीं होता। इसीलिए तुम ऐसा भोजन ग्रहण करो जो तुम्हारे शरीर में ऊर्जा भरे, ना कि आलस्य। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मैं यह तो समझ गया कि कैसा भोजन आलस्य पैदा करता है, लेकिन अब आप मुझे आलस्य के तीसरे कारण के बारे में बताइए कि बुरी संगत कैसे हमें आलसी बना सकती है। ऋषि ने कहा, किसी भी इंसान के जीवन में इस बात का सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है कि वो कैसे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आसपास के माहौल और लोगों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इसीलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं तुम्हारे मित्र आलसी स्वभाव के तो नहीं हैं, कहीं वो काम को टालने की आदत से ग्रसित तो नहीं हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो आज नहीं तो कल तुम भी आलसी बन ही जाओगे, तुम भी काम को टालना सीख ही जाओगे, क्योंकि बुरी आदतें अच्छी आदतों की तुलना में ज़्यादा आसानी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और फिर लोग इन बुरी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। इसीलिए तुम्हें अपने आसपास के लोगों के आलसी स्वभाव के प्रति भी जागरूक रहना पड़ेगा, और ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो स्वभाव से आलसी हैं। अगर आलसी लोगों की संगत करोगे तो आलसी ही बनोगे, ऊर्जावान लोगों की संगत करोगे तो ऊर्जावान बनोगे, और ये निर्णय पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। इसीलिए कर्मठ और ऊर्जावान लोगों के साथ रहो, और अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो अकेले रहने की आदत डाल लो। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? ऋषि ने कहा, शुरुआत करो एक स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य को बनाने के साथ, जिसके बनाने के पीछे का एक मजबूत कारण भी होना चाहिए। उसके बाद अपने मन को खुद को मूर्ख मत बनाने दो, बल्कि इसे मूर्ख बनाते रहो, क्योंकि जैसे ही तुम इसे मूर्ख बनाना बंद करोगे, ये तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद अपने शरीर का ख्याल रखो कि तुम कैसा भोजन करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा हल्का भोजन करने की कोशिश करो, क्योंकि भोजन को पचाने में ही हमारा शरीर बहुत सी ऊर्जा नष्ट कर देता है, जिससे बाकी कामों को करने के लिए कम ऊर्जा बचती है, और फिर हम आलस्य और कमजोरी महसूस करते हैं। आसानी से पचने वाले और ऊर्जा से भरपूर पदार्थ ही अपने भोजन में शामिल करो। उसके बाद अपने सोने और उठने का समय निश्चित करो, इससे तुम ज़्यादा अनुशासित रह पाओगे। अपने दिनचर्या में रोज व्यायाम और ध्यान का समय भी निश्चित करो, साथ ही किसी भी काम को खत्म करने का एक समय निश्चित कर दो, इससे तुम्हारा दिमाग उसी समय तक काम को पूरा करने के लिए खुद को प्रेरित करेगा, जिससे तुम किसी भी काम को समय पर ख़त्म कर पाओगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि आलसी और कामचोर लोगों की संगत करना छोड़ दो, और खुद के साथ समय बिताना शुरू करो। अगर तुमने इन सारी चीज़ों का पालन किया तो आलस्य तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, आलस्य से छुटकारा पाना तो बहुत ही आसान है। ऋषि ने कहा, ये आसान भी तुम्हारे मन को ही लग रहा है। ये मन कब तुम्हारे साथ
कैसे चाल चलेगा इसके लिए तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा। और जागरूकता आती है जागरूक लोगों के साथ रहने से, अकेले रहने से या फिर ध्यान करने से। व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने आलस्य को भगाने का काम अभी और इसी क्षण से शुरू कर देना चाहिए। ऋषि ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, सही समय का इंतजार भी मन की ही चाल है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।